सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीवो मोबाइल कैमरा सेटिंग के बारे में, ठीक है, जो कि आपको कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, कैनोट प्रॉब्लम, जैसे आप देख सकते हैं अनदर कैमरा वर्किंग कैनोट स्विच, ठीक है गाइज। यानी जो कि हमारा वीवो का जितने भी कैमरा में अधिकांश यही प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं मोर सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। मोर सेटिंग पे क्लिक करने कर लेने के बाद, उसके पहले मैं बता दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। एकदम बिल्कुल 2020 का न्यू ट्रिक है, ठीक है गाइज। 100% आपका कैमरा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप मैनेजर पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐप मैनेजर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लेगा इसमें ओपन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा ऐप पे क्लिक करना है, ठीक है गाइज। बहुत सारे यूट्यूबर भाई बताते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा कुछ ट्रिक यूनिक है, इस 100% आपका वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है परमिशन पे, एंड जितने भी ये अलाउ है, ठीक है, इसको सबको अन अलाउ कर देना, ठीक है, सबको अन अलाउ कर देना है, ठीक है गाइज। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सबको अन अलाउ कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब अन अलाउ कर देता हूँ, और फिर से इसे आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे मैं आप कर रहा हूँ, उसे आप कर देना, ठीक है गाइज। तो मैं यहाँ पे सब अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। आपको फिर सिंपल सब बैग जाना है। बैग जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज में जाना है, ठीक है। स्टोरेज में जाने पर आपको क्लियर डाटा कर देना है। तो आप जैसे क्लियर डाटा करेंगे, आपका जो कि कैमरा के जितना वायरस होगा सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपको फिर बैग जाना है, एंड आप यहाँ पर ओपन बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर क्लियर डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको मोबाइल का कैमरा के जितना वायरस होगा, अदर फीचर सब ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा कैमरा ओपन करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें 100 में से आपको बता दूं, मैं 60% मोबाइल के इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ठीक है गाइस। तो जो कि 40% ही ऐसा मोबाइल होता है जिसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीवो केयर में आपको ले जाना होगा, ठीक है गाइस। और वहाँ पे आप कैमरा का सॉफ्टवेयर अपडेट करा लीजिएगा, तब तक आप इमरजेंसी में कैमरा फॉर वीवो V15 का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।